हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और मॉडर्न हिस्ट्री के इस सेगमेंट में फिर से आप सबका स्वागत है। और टॉप 10 के क्वेश्चंस में बेहतरीन क्वेश्चन और साथ में एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो चैनल पर नए हैं, और वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट पड़ाव है यानी अंतिम दौर है, और 28 तारीख 29 तारीख को पेपर है, तो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जल्दी से समय न गवाते हुए टॉप 10 क्वेश्चन देखिए और सारे क्वेश्चंस और साथ में जो व्याख्यान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और देखने के बाद अगर क्वेश्चन अच्छे लगे और एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला, 1888 में सर सैयद अहमद खान द्वारा यूनाइटेड पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना के पीछे मुख्य विचार क्या था? मुसलमानों के लिए कांग्रेस के समानांतर एक संगठन शुरू करना, मुसलमानों के प्रति ब्रिटिश निष्ठा प्रदान करना, इंग्लैंड में भारतीय शिकायतों के लिए आवाज उठाना, कांग्रेस का विरोध करना। ओके, तो कूट क्या है? 1, 2, 3 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 2 और 4 सही है, या 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही हैं। तो जाहिर सी बात है 2 और 4 सही हैं। यानी सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को फिर से अंग्रेजों के पक्ष में लाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन चीजें 1888 की बात की थी। उस समय सर सैयद अहमद खान ने अपने धर्मवादियों को इससे अलग रहने के लिए मनाने का अपना विशेष प्रयास किया। कांग्रेस जो ब्रिटिश नीति और प्रशासन के प्रति विरोध को बढ़ते संकेत दिखा रहे थे, 1888 में सर सैयद अहमद ने यूनाइटेड पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ हिंदू सदस्य भी शामिल थे जो सभी कांग्रेसों के विरोधी थे। 1893 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया का गठन किया और इसकी सदस्यता मुसलमानों और अंग्रेजों तक सीमित कर दी। ओके, याद रहेगा, यानी 1893 में इन्होंने एक संस्था स्थापित की जिसको कहते हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया। तो इन सबसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्मेडा को, वास्को डी गामा को, अल्बू को, या नीनो द कुन्हा को? याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक की बात करी है तो वो है अल्बू, अल्फांसो द अल्बू को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वह हिंद महासागर पर पुर्तगाली नियंत्रण को मजबूत करने में सफल रहा। नेक्स्ट, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? कैप्टन पैराडाइस द्वारा ब्रिटिश क्षेत्र पर आक्रमण, अनवर उद दीन की मृत्यु, निजाम उल मुल्क की मृत्यु, कैप्टन बेस्ट द्वारा फ्रांसीसी क्षेत्र पर आक्रमण? क्या था? तो वो था उत्तर सी, निजाम उल मुल्क की मृत्यु। निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद हैदराबाद की गद्दी पर कब्जा करने के लिए नासिर जंग, निजाम का दूसरा बेटा, और मुजफ्फर जंग, निजाम का पोता के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस बीच कर्नाटक के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अनवर उद्दीन और चंदा साहब के बीच एक और संघर्ष शुरू हो गया। यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध के तत्कालिक कारण था। ओके, ये भी याद रखिएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का एक तत्कालिक कारण भी यही था। नेक्स्ट, निजामत जो बंगाल के दोहरी सरकार का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? सैन्य शक्ति और आपराधिक न्याय को, राजस्व और नागरिक न्याय को, भूमि कर को, या समुद्री व्यापार पर वसूला जाने वाला कर? तो सही उत्तर है सैन्य शक्ति के आपराधिक न्याय को। निजामत का तात्पर्य सैन्य शक्ति और आपराधिक न्याय से है जो कंपनी को सूबेदार से प्राप्त होता था। कंपनी को बादशाह, आलम द्वितीय से दीवानी, राजस्व और नागरिक न्याय अधिकार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान भूमि राजस्व संग्रह प्रक्रिया की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी? कलकत्ता, मौनगर, मुर्शिदाबाद, या भागलपुर? ठीक है, राजस्व बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में। वॉरेन हेस्टिंग भू राजस्व एकत्र करने के लिए कलेक्टर की नियुक्ति की। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 5 साल के लिए जमीन मिलती थी। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए कलकत्ता में एक राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई कि क्या ये जो बोली दे रहे हैं सही से कर भी रहे हैं। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध? तो क्या हुआ? सही विकल्प है केवल 1, 1 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर है 1 और 4, यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1778 से 1782 और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 4 वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, बाजीराव प्रथम के समय में मराठा शक्ति का विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से स्थानों पर उनकी संबंधित मराठा शक्तियों से मिलान सही है? बड़ौदा, गायकवाड़ में, नागरपुर, भोसले, इंदौर, होलकर, ग्वालियर, सिंधिया? तो कहाँ पे? कोड 1 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 1, 3 और 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। तो जाहिर सी बात है 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। यानी बाजीराव प्रथम के समय मराठा शक्ति 5 भागों में विभाजित हो गई। वे हैं बड़ौदा, गायकवाड़,
नागरपुर भोसले, इंदौर होलकर, ग्वालियर सिंधिया और पूना में पेशवा। ओके याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई पंजाब पर कब्जा करने के लिए पहले लड़ी गई थी? रामनगर के युद्ध, चिलियानवाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध। ओके तो कोड सही है केवल एक और तीन, दो और तीन, एक दो और तीन, यानी एक और दो, एक दो और तीन, तीनों सही है। तो रामनगर की लड़ाई वर्ष 1848 में हुई थी। ब्रिटिश नेता सर ह्यूगफ, सिख शासक शेर सिंह अटारीवाला, चिलियानवाला की लड़ाई वर्ष 1849 जनवरी में लड़ी गई थी और गुजरात की लड़ाई 21 फरवरी 1849 को लड़ी गई थी। ओके यानी तीनों ही लड़ाइयाँ बेहतर हुई हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर हुई हैं, तो इसके अपना ही एक बहुत बड़ा इतिहास है इसका। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया की घोषणा निम्नलिखित में से किसके वायसराय काल में घोषित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिंटन या लॉर्ड हार्डिंग पर था। तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा या देखिएगा वायसराय का, तो लॉर्ड कैनिंग के शासन में हुआ था। तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग के वायसराय काल में वर्ष 1858 1 नवंबर में घोषित की गई थी। उद्घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता ब्रिटिश सम्राट के सीधे नियंत्रण में सौंप दी गई। इसका उद्देश्य के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था और यहीं से राज्य सचिव का पद स्टार्ट हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड लॉरेंस। ओके तो लॉर्ड रिपन को, यानी स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य एक ऐसे सरकार से है जो राज्य के स्तर से नीचे स्वतंत्र रूप से निर्वाचित स्थानीय निकाय के साथ बनाई जाती है। लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और वर्ष 1882 में इसे पेश करने वाला पहला व्यक्ति था। याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। ओके तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और क्वेश्चन सभी बहुत अच्छे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और शेयर करना।